नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूँ आपके साथ अंकुश वासु। बुलेटिन में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर से कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी की बैठक खत्म हुई और इस बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर मंथन हुआ है। पीसीसी वॉर रूम में गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस हर जिले में चुनावी प्रचार तेज करेगी और बीजेपी की कैंपेनिंग की जवाब कांग्रेस कैंपेनिंग से देगी। अब की बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे, ये गहलोत की तरफ से कहा गया। कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन है अशोक गहलोत और इसके साथ ही आपको बता दें प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, अर्जुन बामरिया, शकुंतला रावत, राजकुमार शर्मा, ममता भूपेश समेत कई जो सदस्य हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। सबने अपना अपना फीडबैक दिया है कि किस प्रकार से हमारा कैंपेन जिले में ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ लेवल के ऊपर किस तरीके से होना चाहिए, क्या कमी खामियां चल रही हैं, किन लोगों को कहां पर मैनेजमेंट के लिए भेजना है, किन को बड़ी रैलियों के लिए भेजना है और किस प्रकार के जो मुद्दे जो हैं वो उनको किस प्रकार से एड्रेस करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जिलों के अंदर लोकसभा क्षेत्रों में कैसे करनी है, इन सब के ऊपर पूरा जो है वो चर्चा हुई है। मोदी जी क्या कहते हैं, उधर रोज देख रहे हैं, एक्सपोज हो गए वो। मोदी जी की पूरी टीम एक्सपोज हो गई क्योंकि जो माहौल नज़र आता है राजस्थान के अंदर और देश के अंदर, ये बदलाव का माहौल है लगता ऐसा है और चौंकाने वाले परिणाम आएंगे ऐसा लगता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशिभूषण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशि, कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी की बैठक जो है वो आज हुई, क्या कुछ यहाँ पर रणनीति बनाई गई है प्रचार प्रसार को लेकर, क्योंकि अब महज 6 दिन बचे हैं पहली वोटिंग को लेकर, पहले फेज की वोटिंग को लेकर? ये समय कम बचा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है और दरअसल 19 अप्रैल को जो वोटिंग होगी उसके लिए प्रचार का समय 17 अप्रैल की शाम तक का ही है। ऐसे में दिन 5 ही बचे हैं प्रचार के लिए, तो पार्टी की बैठक प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि देर से हुई है कैंपेन कमेटी की। हालांकि कांग्रेस अपने प्रचार अभियान में धार लाने की बात कर रही है, जिलों के स्तर पर कैंपेन ले जाने की बात कर रही है और उन जिलों में भी तेज माहौल प्रचार का बनाने की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये तेज प्रचार कौन करेंगे? क्या कांग्रेस के सभी स्टार प्रचारक अब तक अपनी सभाएं और अब तक उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी वो कर सके हैं? क्या हर जिले में हर सीट पर स्टार प्रचारक पहुंच गए हैं? दो पहलू होते हैं, किसी स्टार प्रचारक की कहां पर डिमांड है और कहां पर स्टार प्रचारक खुद पहल करके जा रहे हैं। दरअसल डिमांड जहां पर होती है वहां प्रत्याशी दिल से सभा कराने के लिए लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वोट बढ़ेंगे, लेकिन कई बार स्टार प्रचारकों की भी जरूरत होती है कि लोग उनकी पूछ रखें, वो पहुंचते रहे लोगों के बीच में। ऐसे में प्रत्याशी कई बार इरिटेशन उनको होता है क्योंकि उन्हें सभा के लिए भीड़ करनी पड़ती है, संसाधन जुटाने पड़ते हैं और उनका समय प्रचार का जाता है उसके अंदर। तो अलग अलग लोग किस सोच के साथ में है, पार्टी ने क्या सोचा है, पार्टी ने क्या तैयार किया है, हालांकि इसका सारा रोड मैप तो साझा नहीं किया पार्टी ने, लेकिन ये जरूर कहा है कि अपने अभियान को तेज करेगी, प्रचार अभियान को। अब और किस तरीके से तेज किया जाएगा, अब तक देखिए राहुल गांधी की 2 सभा हुई है, खड़गे सोनिया गांधी प्रियंका गांधी की 1 सभा हुई है और नरेंद्र मोदी के दौरे देखिए 2 दिन में 2री बार लगातार आ गए, आज 2 सीट कवर की है, कल करौली आए थे, इससे पहले जयपुर ग्रामीण आ गए हैं, पुष्कर आकर के गए हैं जहां पर 3 सीट कवर कर चुके हैं। तो आप कंपैरिजन किस स्तर पर करेंगे और किस आधार पर करेंगे, ये नजरिया अलग होता है। हालांकि हर पार्टी को अपनी रणनीति बनाने का अधिकार है और जहां तक चौंकाने वाले परिणाम आएंगे ये बयान है, तो सवाल एक बहुत छोटा सा सवाल ये है कि क्या अब तक 2 बार कांग्रेस नहीं चौंकी इन नतीजों से, अब तक उन नतीजों के बाद में क्या तैयारी कर रखी है पार्टी ने, कितनी मजबूती से लोगों के बीच जाएगी, अपनी बात समझाएगी। आज जो संविधान की बात कांग्रेस करती थी कि संविधान बदल देंगे, वो उस बात को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काटने की कोशिश की। हालांकि पीएम का अपना नजरिया है, बीजेपी का अपना नजरिया है, कांग्रेस की अपनी बात है, लेकिन जनता को कौन आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है, उनकी भाषा में समझा सकता है। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने की, तमाम बातचीत करने के लिए।